वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक जो मैंने न्यूली वेयर्स मैरिड गर्ल के लिए करा है। अगर आपकी भी नई नई शादी हुई है और आपको मेकअप करना है बट आप कंफ्यूज हो कि आपको मेकअप कैसे करना है, सबसे पहले क्या लगाना है, कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है, आपको पता नहीं है कि कब फाउंडेशन कैसे लगाना होता है, कब सिरम लगाना होता है, कब कॉम्पैक्ट लगाना होता है, कब लूज़ पाउडर लगाना होता है, ये इस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट देख सकते हो। मैं आपको हर कुछ बताने वाली हूँ कि आपको इस लुक को कैसे करना है और इस लुक पर मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, और इन सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। साथ में मैं ये ज्वेलरी कहाँ से ली हूँ, ये मैं साड़ी कहाँ से ली हूँ, ये इसका फुल डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। सो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना एंड आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको आपके हर क्वेश्चन के आंसर भी मैं देने वाली हूँ एंड आपको जो जो डाउट्स होते हैं आप नीचे कमेंट में डाल देना, मैं वहाँ पर भी आपके आंसर कर दूंगी। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड टू वीडियो। पहले मैंने अपने फेस को फेस वॉश कर लिया एज यूजुअल और आप देख सकते हो मेरी फेस बहुत ही क्लीन हो चुकी है। ठीक है, अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आई मेकअप करूँगी एंड उसके बाद मैं अपना बेस मेकअप करूँगी। तो चलिए फिर आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। हमें पहले अपने आई को कंसील करना होगा। तो आई को कंसील करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये क्रायलोन का बेस और इससे मैं अपने आई मेकअप में करने वाली हूँ। और उसमें जो मैं आई शैडो यूज़ करूँगी वो है ये ब्यूटी ग्लेज की कलरबोर्ड पैलेट। तो आज हम इससे आई मेकअप करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे आई शैडोज हैं, देख सकते हो आप, जैसे कि इसमें चार पैलेट है टोटल, एक ये और ये, टोटल फोर इसमें पैलेट है, मतलब चार पार्ट में इनको डिवाइड किया। ये पूरा ग्रीन फैमिली की है ये, फिर ये रेड फैमिली में आती है, फिर ये थोड़ा ब्लूइश में आती है और ये पर्पल में आती है। ठीक है, ये चार टोटल चार फैमिली की, और बीच बीच में आपको दूसरे भी कलर इसमें है जो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले क्योंकि मैंने रेड पहनना है आज, मेरी साड़ी जो है वो भी रेड है, तो आपने थंबनेल पे तो देखा ही होगा मेरी साड़ी कैसी है, वो बहुत ही सुंदर साड़ी है, उसे मैंने अमेजोन से ख़रीदा है। ठीक है, तो ये रेड कलर वाली फैमिली मैंने निकाले हैं इस वाले पे और आज हम इसी से मेकअप करेंगे। एक ब्राउन कलर का टोन लेंगे, सबसे लाइट ब्राउन, आप देख रहे हो उसमें बहुत सारे ब्राउन्स है, रेड है, ग्लिटर है, गोल्डन ग्लिटर है, रेड ग्लिटर है, येलो है, तो हम इसमें से ब्राउन कलर लेंगे, इसे हम लेंगे अपने ब्रश पे और उसे हम प्लेस करेंगे अपने आउटर कॉर्नर पे, यहाँ पे हम मुझे करना है, इसे हम इनर कॉर्नर की तरफ लेके जाएंगे, इससे हम पहले क्रीज बनाएंगे अपनी। अब देख रहे हो मैं क्रीज बना रही हूँ, तो हमें पहले क्रीज बनाना है एंड फिर से हम इसे ब्लेंड करेंगे। देख रहे हो आप जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब हम थोड़ा ब्राउन टोन लेंगे एंड इससे मैं इसे ब्लेंड करूंगी। ये थोड़ा ब्राउन से थोड़ा ऑरेंज में जा रहा है, अब हम थोड़ा सा ऑरेंज टोन लेंगे। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक कट क्रीज बनाएंगे ना, बस जो हमने कंसीलर लगाया वही ब्रश को लेना है एंड जस्ट यहाँ से एक कट क्रीज बनाना है। ये मैंने बहुत लाइट कट क्रीज बनाए हैं, बहुत लाइट, आप देख सकते हो। ये वाला जो कलर है आप देख रहे हो, ये वाला कलर, ये वाले कलर को हम लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्राउन टोन लेंगे फिर से यही सेम ब्रश एंड इसके जो पिगमेंटेशन है इसको थोड़ा और डार्क कर देंगे। मैंने आपने देखा ये मैंने कट क्रीज बनाया एंड फिर वहाँ पे मैंने सिल्वर कलर के आई शैडो लगा दिए। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी पैलेट लेंगे, वो है स्विस ब्यूटी की पैलेट और इसमें आप देख सकते हो काफ़ी सारे शेड्स हैं इसमें आई शैडो के। ये ब्राउन टोन लेंगे थोड़ा सा ब्रश पे एंड अपने आउटर कॉर्नर पर रख देंगे इसे। ठीक है, हल्का सा ब्लेंड करते हुए रख, क्या करेंगे ये वाला जो शेड है ये सिल्वर वाली, इसे हम इसके ऊपर लगाएंगे, आप देखना ये थोड़ा शाइनी होने लगेगी। गोल्ड वाला शिमर शेड लेंगे, इसे अपने फिंगर्स पे लेंगे, बस हमें दो चार इसके इतने पार्टिकल्स लेने हैं एंड जस्ट हमें यहाँ पे ऐसे रख देने हैं।
अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लैसेस लगाएंगे। आप देख सकते हो ये आई मेकअप अच्छी लग रही है, तो ये आई मेकअप मेरा कंप्लीट होता है। तो अब हम अपने आईब्रोज भी कर लेते हैं ऐसे ही। मैं आईब्रो को ड्रॉ करूंगी। फिर हम ये आईब्रो भी कर लेते हैं। तो अब हम ऊपर वाले लिड पे काजल लगाएंगे, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सुगर का काजल, और इससे हम ऊपर वाले लिड पे काजल लगाएंगे। ओके, तो अब ये मैंने काजल लगा लिए। अब हम नीचे वाले लॉ लाइन पे काम करेंगे जब हमारा बेस हो जाएगा तब। तो अब मैं दूसरी आईज भी कर लेती हूँ एंड फिर हम अपना बेस करेंगे। तो फटाफट मैं ये वाली आईज भी कर लेती हूँ एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दोनों आईज का आई मेकअप कैसा लग रहा है। तो हमें अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना होता है। तो अब मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया, आप देख सकते हो। एंड इसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर, ठीक है। मॉइस्चराइजर हमने कर लिया, अब हम प्राइमर लगाएंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की प्राइमर है ये। तो अब हम इससे अपना अपने फेस को प्राइम करेंगे। हम अपने जहाँ जहाँ पे पोर्स है वहाँ लगाएंगे, और अपने पूरे फेस पे भी लगा लेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा, आप देख रहे हो कितना अच्छा सा ग्लो आ रहा है इसमें लगाने के बाद। जो हम फाउंडेशन से पहले हाइलाइटर लगाते हैं वो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको लगाने के बाद। आप देख सकते हो कितनी अच्छी साइन आ रही है मेरे यहाँ चिक्स पे, बहुत अच्छी सी साइन आपको ये देगी और आपको बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा। अब हम इसके ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे। तो आज मैं दो फाउंडेशन को मिक्स एंड मैच करके अपना सेट बनाऊंगी। फाउंडेशन है और ये दोनों है सुपर स्टे की, बट एक है 128 वार्म न्यूट और एक है 120 क्लासिक आइवरी। तो ये दोनों को मिक्स एंड मैच करके आज मैं अपना सेट बनाने वाली हूँ। फाउंडेशन लगाने से पहले मैं अपने फेस पे एक बेस लगाऊंगी। तो वो बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन का बेस, और इससे मैं अपने फेस को पहले एक इवन टोन दूंगी। आप देख सकते हो ये मेरे पास दो फाउंडेशन है, ये दोनों को मैं मिक्स करने वाली हूँ आज। तो इसे मैं अपने हैंड पे ही मिक्स कर लेती हूँ। जस्ट एक पर मैं इसके लूँगी, एक पंप मुझे इसके लेने हैं 128 और एक पंप मैं लूँगी 120 के, ठीक है। ये हो गया, अब हम दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है। एंड मिक्स करने के बाद अब हम इसे लगाएंगे अपने फेस पे। आप देख रहे हो ये एकदम बिल्कुल मेरे शेड का बन चुका है। तो अब हम इस फाउंडेशन को अपने फेस पे ये जो है ये स्विस ब्यूटी की कंसीलर पैलेट है, इसमें एक ऑरेंज शेड है। तो आज मैं इससे ट्राई करती हूँ ब्लश लगाने का, कैसा लगता है ये। अब इसके बाद हम अपने बेस को सेट करेंगे। बेस को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप बेस को सेट नहीं करोगे तो आप हाथ लगाओगे तो वो ट्रांसफ़र होंगे प्रोडक्ट, इसलिए आपको उसको सेट करना ज़रूरी होता है। बहुत अच्छे से सेट करना होता है ताकि वो ट्रांसफ़र ना हो, वो लॉक हो जाए। बेस को सेट करना मतलब बेस को, फाउंडेशन को लॉक करना। बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये लूज़ पाउडर है, और इससे मैं अपने बेस को सेट करूँगी। थोड़ा सा निकाल लूँगी, बस इतना ही काफ़ी है मेरे पूरे फेस के लिए। एंड ये मैं ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करूंगी, तो ब्यूटी ब्लेंडर को मैं एक लेयर में इसमें डालूंगी। No, you're not mine.
अब इसके बाद हम पाउडर कॉन्टोर और पाउडर ब्लश लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज़ क्यूरोप कर्ल की ये आई शैडो पैलेट है और इससे मैं ब्लश लगाऊंगी ये पिंक टोन से, ठीक है। डस्ट ऑफ कर लो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एंड जस्ट ब्लश लगाऊंगी हल्के हल्के हाथों से। आपने बहुत हल्के हाथों से ब्लश को ब्लेंड करना होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्लेंड करोगे तो वो पैची भी लग सकता है। देख रहे हो आप मैं कितने हल्के से ब्रश पे, बिल्कुल भी मेरा प्रेशर नहीं है, बस मैं उसे राउंड राउंड घुमा रही हूँ, वो खुद ही ब्लेंड करता जा रहा है। फिर से डस्ट ऑफ एंड फिर से ऐसा लगा लिया। अब हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे अपने फेस को। तो हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये हाईलाइटर। तो अब हम हाईलाइट करेंगे अपने फेस को। तो हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये हाईलाइट। ठीक है, तो लिपस्टिक लगाते हैं अब हम। तो लिपस्टिक क्योंकि आज मेरी साड़ी रेड है तो मैं रेड सोच रही हूँ, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ा न्यूड हो जाए क्योंकि रेड न्यूड क्या करूँ। मैं आज यूज़ करूँगी रेड कलर की लिपस्टिक और ये है पर्पल की लिपस्टिक। आप देख सकते हो ये पर्पल की लिपस्टिक है। ओके, तो अब मैंने लिपस्टिक पे लगा लिया। आप देख सकते हो बहुत अच्छी सी रेड सी लिपस्टिक है और ये है पर्पल की लिपस्टिक। और ये मैंने लिपस्टिक लगा ली और ये है पर्पल की लिपस्टिक जो मैंने अभी लगाया है। ये बहुत अच्छा रेड है ब्राइडल के लिए, बहुत ही अच्छा है। अब ब्राइडल में बिल्कुल आप ये ट्राई कर सकते हो। आप देख रहे हो कितने अच्छी रेड कलर है। अब मेरा लुक कम्प्लीट होता है एंड आप देख सकते हो ये मैंने लिपस्टिक लगा ली है, कितनी अच्छी लिपस्टिक है, बिल्कुल रेड है। ये जो लिपस्टिक है ये ट्रांसफ़र भी नहीं होती, आपको मैं दिखाती हूँ। देखो ये बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, कि बहुत अच्छी लिपस्टिक है एंड आपके लिप्स पे बहुत ज़्यादा ये चिप चिप लगेगी एंड ये बिल्कुल ड्राई हो गई लगाने से ट्रांसफर। के ऊपर आप सिंदूर लगा लो तब तो वाह। मैं अपने मेकअप को सेट करूँगी। तो मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फिक्सिंग स्प्रे जो कि है फेसेस कैनेडा की, और इससे मैं अपने फेस को सेट करूँगी। और हमें इसे बहुत दूर से लगाना होता है क्योंकि आप बहुत पास लगाओगे तो आपके मेकअप में ये पैच क्रिएट कर सकता है। बहुत इससे फुहारा टाइप आपके फेस पे आना चाहिए। आओ आओ आओ। तो आप देख सकते हो ये मेरा फेस मेकअप सब कंप्लीट हो गया। हमने तो एक चीज भूल ही गए, हमने अपने आई के नीचे कुछ नहीं करा। ओके, तो ये मेरा मेकअप कंप्लीट होता है। मैं फटाफट साड़ी पहन के आती हूँ। ओके, तो मैं मिलती हूँ। सो दिस इज माई फाइनल लुक एंड आप देख सकते हो ये लुक मुझ पर कितना सुंदर लग रहा है। तो अब मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ और जो मैंने अमेजोन से मंगवाई है, ठीक है। तो अब हम इसे पहनते हैं, देखते हैं ये कैसी है। तो ये आप देख सकते हो ये बहुत सुंदर सी ज्वेलरी मैंने मंगवाई है अमेजोन से, बहुत पतली सी नेक पीस है। सो आप देख सकते हो ये जो नेक पीस है ये कितनी सुंदर लग रही है मुझ पर। एंड इसके साथ मुझे और भी बहुत कुछ मिले हैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मुझे मिले हैं ईयरिंग्स। सो ये ईयरिंग्स है बहुत छोटे से। इसके साथ मुझे साथ में एक ब्रेसलेट मिले हैं। आप देख सकते हो ये ब्रेसलेट भी बहुत सुंदर है, इसे भी हम अपने हैंड्स पे पहन लेते हैं। सो ये कुछ इस टाइप का ब्रेसलेट है, देख रहे हो आप कितनी सुंदर लग रही है ये। एंड इसके साथ मुझे रिंग भी मिली है, तो अब ये रिंग भी पहन लेते हैं। एंड ये रिंग की कोई साइज नहीं होती, आप इसे अपने फिंगर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब देख रहे हो कितने सुंदर से रिंग्स लग रही है। बिल्कुल रेडी हो चुके हो पार्टी फंक्शन के लिए एंड ये लुक बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ ये लुक कैसा लग रहा है। सो ये है मेरा फाइनल लुक एंड आप देख सकते हो ये लुक कितना सुंदर लग रहा है। पर्सनली मुझे ये लुक बहुत सुंदर लग रहा है। आप भी अगर ये लुक करना चाहते हो तो आप मेरे स्टेप्स को बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करो, आपको भी ये लुक ऐसे ही मिलने वाला है। सो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे इन सबके लिंक मैं नीचे डाल रही हूँ, आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। और ये जो साड़ी है ये साड़ी का फुल मैं आपको दिखा रही हूँ साइड में, आप देख सकते हो कितनी सुंदर ये साड़ी लग रही है। और अगर आप भी ये साड़ी लेना चाहते हो तो आप मैं नीचे लिंक डाल रही हूँ, आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आप ये ज्वेलरी लेना चाहते हो तो इसकी भी लिंक मैं नीचे डाल रही हूँ, आप वहाँ से ले सकते हो।
वीडियो। सो दिस इज माई फाइनल लुक एंड आई होप कि आपको ये लुक बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको ये मेरा मेकअप लुक और मेरी ये लुक पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव।